दोस्तों, यह है बिहार का नालंदा जिला, जो बिहार के कुल 38 जिलों में से एक बड़ा ही जगत प्रसिद्ध जिला है। ये बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसका इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को भला कौन नहीं जानता। ये भारत के शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक था, जहाँ विदेश से शिक्षा ग्रहण करने छात्र आया करते थे। पहले ये जिला पटना जिले का बिहार शरीफ अनुमंडल था। 9 नवंबर 1972 को इसे पटना जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। इतिहास में इस इलाके का खास वर्णन मिलता है। पहले ये एक प्रख्यात महाविहार भी था, जो भारत के प्राचीन साम्राज्य मगध का एक बौद्ध मठ था। ये वर्तमान में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की कला, संस्कृति, त्योहार, परंपरा, रिवाज सब कुछ अनूठा है। बिहार शरीफ इस जिले का मुख्यालय है। नालंदा बिहार की राजधानी पटना से करीब 81 किलोमीटर दूर है और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2355 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं उत्तर में पटना तो दक्षिण में नवादा और गया से मिलती हैं। वहीं पूर्व में देखें तो शेखपुरा और लखीसराय जिला इससे लगता है, जबकि पश्चिम में जहानाबाद इससे सटा हुआ है। वहीं दोस्तों, यदि आपको बिहार की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर BR21 नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप नालंदा जिले की महान धरती पर कदम रख चुके हैं। यदि हम इस जिले के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 28,77,653 है। वहीं साक्षरता दर देखें तो यहाँ के 64.43% लोग साक्षर हैं, जबकि यहाँ का सेक्स रेशो प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 900 महिलाओं का है। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है ये एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है, जहाँ हिंदुओं की आबादी लगभग 92.78% है। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 6.88% है और अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में ईसाई 0.07% और जैन 0.02% हैं। नालंदा वर्तमान समय में बिहार का एक उभरता हुआ जिला है। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, छोटे मोटे उद्योग और पर्यटन पर आधारित है। यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, आलू, प्याज, फल और सब्जियों की खेती की जाती है। वहीं उद्योग की बात करें तो यहाँ का हथकरघा बुनाई उद्योग यहाँ के लोगों के रोजगार का साधन है। यहाँ के लोग ज्यादातर मगही और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जिले के अंतर्गत कुल 3 बिहार शरीफ, हिलसा और राजगीर अनुमंडल हैं। ग्राम पंचायतों की बात करें तो यहाँ कुल 249 पंचायतें हैं। वहीं जिले के गाँवों की संख्या 1084 है। नालंदा जिले का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि हम इस जिले की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बात करें तो जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहीं यहां का निकटतम हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहां से 89 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। इस जिले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम नालंदा रेलवे स्टेशन है, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है तथा बख्तियारपुर राजगीर गया लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग। दोस्तों, नालंदा जिला नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 20 और 120 पर स्थित है, जो इसे बिहार तथा देश के बाकी हिस्सों से एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नालंदा जिले का इतिहास। दोस्तों, यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था तथा इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। दुनिया के इस सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष बोधगया से 62 किलोमीटर दूर एवं पटना से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित हैं। माना जाता है कि बुद्ध यहां कई बार आए थे। यही वजह है कि 5वीं से 12वीं शताब्दी में इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में ह्वेनसांग भी यहाँ अध्ययन के लिए आया था और उसने यहाँ की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी जीवन की पवित्रता का उत्कृष्टता से वर्णन किया। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं कि इस जिले में घूमने फिरने योग्य कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। नालंदा बिहार का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है और जिले की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर देखने लोग दूर दूर से आते हैं। 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस स्थान पर प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिले सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। जैन धर्म मानने वालों के लिए यहाँ का पावापुरी जल मंदिर अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये राजगीर और बोधगया के समीप पावापुरी में स्थित है। उसके अलावा यहाँ आपको नालंदा के ठीक बाहर कुंडलपुर भी मिलता है, जिसे जैन तीर्थंकरों के 24वें और अंतिम भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है। पांडु पोखर में आपको भारत के अद्भुत इतिहास का उदाहरण देखने को मिलता है। आप यहां नौकायान का आनंद भी उठा सकते हैं।
पटना से लगभग 102 किलोमीटर दूर स्थित राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बुद्ध और जैन युग में वापस जाने वाले कई दृष्टांतों के साथ साथ महत्वपूर्ण संकेतक भी हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है जो घने जंगलों से समृद्ध है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।